कोरोना वायरस को लेकर एक नया शोध कहता है कि कोरोना वैक्सीन देश की 50% जनसंख्या को देने की आवश्यकता है। वैक्सीन देने की क्षमता 100% हो, ऐसा करने से संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है और महामारी के उच्च स्तर को टाला जा सकता है। इस शोध के कई सारे लेखक हैं। इसे अमेरिका के वैज्ञानिकों की ओर से तैयार किया गया था और अमेरिकन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में छापा गया था। इस शोध में कहा गया है कि डिजीज प्रिवेंशन पॉलिसी को तैयार करने के लिए किसी वैक्सीन की कवरेज और उसकी क्षमता दो महत्वपूर्ण घटक है। वैक्सीन कवरेज का मतलब होता है कि जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोगों को वैक्सीन दी गई है, और वैक्सीन क्षमता का अर्थ है कि अनवैक्सीनेटेड ग्रुप की तुलना में वैक्सीनेटेड समूह में वैक्सीन के प्रभाव से बीमारी में कितनी प्रतिशत तक कमी आ रही है। कई देशों में कोरोना वैक्सीन को लेकर तेजी से काम चल रहा है ताकि पहले की तरह ही दुनिया को चलाया जा सके। न्यूयॉर्क के सिटी यूनिवर्सिटी के मुख्य इन्वेस्टिगेटर ब्रूस वाई ली का कहना है कि अगर वैक्सीन बन भी जाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप वापस अपना पुराना जीवन जी सकते हैं जैसे वो महामारी के पहले थी। ली ने कहा कि वैक्सीन एक दूसरे उत्पाद की तरह ही है जिसे इस्तेमाल करने के बाद यह देखना होगा कि क्या उससे बीमारी को कम करने में मदद मिल रही है या नहीं। शोध का मानना है कि वैक्सीन की क्षमता कम से कम 70% होनी चाहिए और दूसरे उपायों के बिना बीमारी को रोकने के लिए कम से कम 80% क्षमता होनी चाहिए। शोध में कहा गया है कि वैक्सीन की क्षमता की सीमा 70% तक बढ़ सकती है। जब वैक्सीन कवरेज 75% गिरेगी और वैक्सीन क्षमता 80% बढ़ेगी जब कवरेज 60% तक गिरेगी। जब भी वैक्सीन की कवरेज 50% तक गिरेगी तो इससे महामारी के उच्च स्तर को खत्म करना संभव नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।